आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप सुपर 12 मरहले में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले जाने वाले मैच से कबल घुटने ना टेकने के मामले पर जुनूबी अफ्रीका के विकेट कीपर बैट्समैन क्विंटन डी कॉक ने माफी मांग ली है। तफसीलात के मुताबिक जुनूबी अफ्रीका के क्रिकेटर ट्विटर पर क्विंटन डी कॉक का माफीनामा जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने रवैये की माजरत की है। क्रिकेटर ने अपने बयान में कहा है कि मैं अपनी टीम के साथियों और मतदाताओं से माफी चाहता हूं। अगर मेरे घुटने टेकने से दूसरों को तालीम देने में मदद मिलती है और दूसरों की जिंदगियों में बेहतरी आती है तो मैं ऐसा करने में खुशी महसूस करूंगा। डी कॉक ने कहा है कि नस्ल परस्ती के खिलाफ खड़ा होने की अहमियत और मिसाल कायम करने के लिए खिलाड़ियों की जिम्मेदारियों को समझता हूं। मगर वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में घुटने नहीं टेके तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को इज्जत नहीं दी। उनका कहना था कि घुटने के बल खड़ा होने के बारे में हमें मैच की सुबह इस वक्त बताया गया जब हम खेलने जा रहे थे। बोल ब्रीफ्स की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बोल ब्रीफ्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।